Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of EVS class 5 chapter 6. The name of the chapter is Every Drop Counts. Now, in this video, we will read and solve some further question answers of the same chapter. So, a gel -board water tanker comes to our uh, colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have फाइट्स ऑवर वाटर बारे में बता रहे हैं कि जल बोर्ड का वाटर टैंक हमारे यहाँ आता है और वो क्या करता है पानी देता है तो उसमें बहुत सारी, बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती है पानी भरने के लिए और उसमें क्या होता है आपस में बहुत लड़ाई होती है फिल वाटर फ्रॉम द वेल द नियर बाय वेल ड्राइड अप अपर एगो नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्टिस में यह बोला गया है कि मैं क्या करती हूँ एक जो वेल कुआ है वहां से पानी भरती हूँ जो हमारे पास का कुआ था वो सूख गया था तो हमें बहुत दूर आना पड़ता है पानी भरने के लिए वो बोलते हैं हमें हर जगह से पानी लेने की इजाजत नहीं है क्योंकि हमारी किस वजह से हमारी कास्ट की वजह से एंड द नेक्स्ट वन इज वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन हॉर मैं आधे घंटे में क्या करती हूँ पानी लाती हूँ अपने घर में वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे समाइम्स इट इज डर्टी मैं क्या यूज करती हूँ वो टैंक से करती हूँ और पानी भरने के लिए टैंक में जाती हूँ और पानी के भर के लाती हूँ और कई बार क्या होता है वो ये पानी गंदा होता है नेक्स्ट टू गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग यहाँ पर क्या है? घर में है उनका नल वहां से पानी भरते हैं बोला गया है दिस इज हाउ वी गेट वाटर ये बताया गया कि हम कैसे कैसे पानी भरते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ हैंडप नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सोल्टी वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग वो बोलते हैं हमारे घर के पास एक हैंडप है उससे हम पानी लाते हैं मगर उसका पानी क्या है बहुत ही सोल्टी क्या है खारा है नमकीन है इसलिए हम पीने के लिए खरीद कर पानी लाते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइप लाइन नाव वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन्होंने क्या कर रखा है अपना एक पाइप जल बोर्ड के पाइप में फिट कर रखा है तो उसे पानी ले लेते हैं और वो बोलते हैं इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड द नेक्स्ट वन इज वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल उन्होंने वो जो नीचे बोरवेल खोद के एक मोटर लगा रखी है जिससे कि वो पानी लेते हैं बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सो वट डू वी डू मगर वो क्या चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट से चलती है लाइट नहीं है इसलिए वो मोटर नहीं चल पा रही है तो मैं क्या करूं एंड द नेक्स्ट वन इज वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इट्सल्फ ये कहाँ से एक गाँव में मटका भर के पानी ला रही है कहाँ से लाते हैं कैनाल से लाते हैं और खुद लाते हैं नेक्स्ट डिस्कस एवरी वन द राइट टू लाइव हर एक को जिंदा रहने का अधिकार है येट इज एवरीबॉडी गेटिंग वाटर टू लाइव और इवन वाटर टू ड्रिंकिंग येट इज एवरीबॉडी तो क्या हर एक को पर्याप्त तो पानी मिलता है जिंदा रहने के लिए और पीने के लिए या पीने के लिए वाई इज इट दैट सम पीपल हैव टू ड्रिंकिंग वाटर क्यों कुछ जो लोग हैं वो पीने का पानी खरीद कर पीते हैं शुड इट बी लाइक दिस क्यों उन्हें ऐसा करना चाहिए वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल जो पानी है इस जमीन के अंदर वो एक के लिए है या सबी, और सभी के लिए है वन पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाई डीप बोरवेल्स जो कुछ क्या करते हैं बहुत डीप बोरवेल well करके उसमें से पानी बाहर निकालते हैं हाउ फार इज इट करेक्ट क्या ये सही है एवर सिन दिस क्या आप ऐसा हर बार देखते हैं वाई डू समीपल पोट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड क्यू कुछ क्या करते हैं डायरेक्टली जल बोर्ड के पाइप में अपना पाइप फिट करके वहां से पानी ले लेते हैं पाइपलाइंस वट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस और ऐसा करने से दूसरों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी है सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज इट इज ट्रू इट इज ट्रू दैट टूडे एवरी वन इज नॉट गेटिंग एनफ वाटर ड्यू टू द स्कासिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ये सच है कि आजकल सभी को इतना पर्याप्त तो पानी नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत कमी हो गई है पीने वाले पानी की सम पीपल हैव टू बाय इसलिए कुछ क्या करते हैं उसको खरीदते हैं और खरीद के बिस्लरी वगैरह की बोतल खरीद के उसका पानी पीने के लिए यूज करते हैं थिंग्स मस्ट नॉट टू बी लाइक दिस मतलब चीजें ऐसी नहीं होती मगर इसके कुछ कारण है सम पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरिंग कुछ लोग क्या करते हैं बहुत नीचे तक तो बोरिंग करके उसमें से पानी निकाल के ले लेते हैं इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस ये क्या है गलत है इट इज नॉट ओनली डेप्राइब्स अदर्स पीपल ऑफ वाटर सॉरी अदर्स नहीं होगा अदर होगा इट इज नॉट ओनली डेप्राइब्स अदर पीपल ऑफ वाटर बट ऑल्सो इफेक्ट द इन्वायरमेंट वो बोलते हैं इस तरह की चीजों से केवल यही नहीं होता कि दूसरे लोगों के लिए पानी की कमी होती है मगर ये भी होता है कि ये हमारे वातावरण पर भी बुरा प्रभाव डालती है इन माई कॉलोनी मैनी पीपल डू दिस और मैं अपनी कॉलोनी में बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये करते हुए देखता हूं सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर टूडेज टॉपिक आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली सो यू विल राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड मी द फोटो ऑफ योर सोल्यूशंस इफ द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टू मी थैंक यू